इंडिया में जितने भी हमारे लोग हैं वो इंजीनियर से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर और मिस्त्री पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। यहाँ तक कि अपना घर का नक्शा, घर का प्लान जो है वो याने तो किसी मिस्त्री के भरोसे बना देते हैं याने तो किसी कॉन्ट्रैक्टर से बनवा लेते हैं। तो अब उसका बना हुआ घर कभी आप देखेंगे, कभी दिमाग में ये नहीं आएगा वाह क्या बनाया है, ऐसा कभी नहीं आएगा। मैं देखा हूँ, मैं इस बार अपने गांव गया था, वहाँ मैंने देखा बहुत सारा चीज़। तो वहाँ जो लोग अपना घर बनाए हैं उसको देख के लगे यार क्या रद्दी घर बनाया है। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट अगर जो भी आदमी किसी इंजीनियर चाहे किसी आर्किटेक्ट से अपना घर का नक्शा बनाया है उसको देख के लेगा वाह क्या बनाया है भाई। तो ये डिफरेंस होता है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग को जानकारी भी नहीं है, बहुत लोग को लगता है कि भाई कि कॉन्ट्रैक्टर चाहे मिस्त्री वही घर का प्लान देते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि भाई कि अगर आपको घर बनाना चाह रहे हैं तो घर का डिज़ाइन जो है कहाँ से बनाएंगे। मेरा आज का प्लान टॉपिक वही है, वेयर आई गेट गुड प्लान्स फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। ऐसे तो आपको बता दूं कि अभी डिजिटल का ज़माना आ गया है, लोग ज़्यादातर इंटरनेट से बहुत जुड़ रहे हैं और आजकल गांव घर में एंड्रॉयड मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है और हर कोई जब घर बनाने की सोचता है तो सबसे पहले वो गूगल खोलता है, गूगल में टाइप करता है और अपने डिफरेंट साइज़ का आपका प्लान उसमें आपको मिल जाएगा इंटरनेट में। लेकिन अगर आप इंटरनेट में तो आपको डिफरेंट साइज़ का प्लान मिल ही जाएगा जिस प्लान में आपको घर बनाना है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका उसमें कॉलम का पोजीशन नहीं देता है, ना कॉलम का पोजीशन देता है ना सरिया का पोजीशन देता है रेनफोर्समेंट का। तो अगर आपको 3 से 4 तल्ला घर बनाना है तो उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, इसके लिए जो आपका नॉमिनल रेनफोर्समेंट लगता है जो कि आपको भी पता है वो हर कोई जानता है, 4 फ्लोर तक 4 तल्ला तक जो है 4 मंजिला तक कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कब आता है जब आपको मल्टी स्टोरेज बनाना हो, लेकिन एक आम आदमी मल्टी स्टोरेज बनाता नहीं है, अगर जो बनाता भी है तो वो किसी इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट को हायर करके वो अपना काम वो करता है। तो अब हम बात करते हैं कि अपना घर के लिए जब हम लोग अपना घर बनाते हैं तो उसमें एक एक फ्लोर का हो चाहे 2 फ्लोर ज़्यादा 3 फ्लोर तक जाते हैं हम लोग, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं ज़्यादातर केस में क्या कि अब किसी को पता नहीं हो तो भाई इंजीनियर मिलेगा कहाँ पे और ड्राइंग कैसे मिलेगा। हाँ अगर आपको सुंदर घर बनाना है एकदम टॉप मोस्ट का तो मैं आपको यही बताऊंगा, आप चाहे किसी इंजीनियर से चाहे किसी आर्किटेक्ट से संपर्क कीजिए, वो आपको एक फर्स्ट क्लास डिज़ाइन बना के दे देगा। और आपको बता दूँ कि अगर आप इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट से बनाएंगे ड्राइंग तो उसमें क्या है कि आपको ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा, आपका टोटल खर्चा का आपका 1% से लेकर के 2% पड़ेगा, एकदम पूरा सबसे कम। मतलब बिल्डिंग बनाने में जितना आपका खर्चा होगा ना उससे मात्र 1 से 2% रहेगा, बहुत ही कम है, इसलिए ज़्यादा सोचिए मत। और सबसे यूनिक बनाना हो तो ज़रूर जो है किसी आर्किटेक्ट चाहे इंजीनियर संपर्क कीजिए। और आजकल तो लोग अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसा वेबसाइट भी है जहाँ पे आपको ड्राइंग फ्री में मिल जाएगा, और वेबसाइट हो गया और बहुत सारा ऐसे यूट्यूब चैनल भी है जिसमें आपको ड्राइंग देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह के आप कर सकते हैं। और आपको बता दो अगर हम स्क्वायर फीट की बात करें तो स्क्वायर फीट की बात करें तो जो इंजीनियर या आर्किटेक्ट जो चार्ज लेता है वो लेता है आपका सब कुछ बना के दे करके 10 रुपया से 20 रुपया पर स्क्वायर फीट। मतलब जितना आपका एरिया होगा, अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट है तो अगर आपका मतलब घर किसी गांव एरिया में है तो इंजीनियर उतना चार्ज नहीं लेगा। बहुत ऐसा है कि ओनली अगर आपको प्लान चाहिए तो आपका 5 रुपया पर स्क्वायर फीट लेगा, ठीक है, पर स्क्वायर फीट ओनली प्लान चाहिए।
और अगर आपका इससे इसमें सब कुछ आपको चाहिए, जैसे अगर आपका हो गया प्लान, एलिवेशन, सरिया डिटेल, और आपका कॉलम सेंटर लाइन, कॉलम सेंटर लाइन, ये सारा चीज़ और बहुत सारा चीज़ में आता है। फिर आपका सरिया डिटेल में सारा कुछ आ ही गया, तो ये सब अगर आपको चाहिए तो आपको इसमें 10 से 20 रुपये पर स्क्वायर फीट होगा, ये आपके एरिया के हिसाब से। ये क्लियर है? तो और इससे बेनिफिट क्या होगा ना, कि आपका एक प्रॉपर एक अच्छा डिज़ाइन आपको मिल जाएगा, जिसको लेकर के आप किसी कॉन्ट्रेक्टर से बना सकते हैं। फिर से कहूँगा, कभी भी किसी मिस्त्री पे भी मिस्त्री से बिल्कुल मत बनाई, वो बेढंग पैसा बचाने के चक्कर में बेढंग सा आपका घर बना देगा। क्लियर है? तो आजकल फिर यही कहना चाहूँगा, तो आजकल ऑप्शन बता रहा हूँ मैं, तो एक आप पता कर सकते हैं बाय इंटरनेट से। दूसरा क्या है आपका, ये बहुत ऐसा वेबसाइट है इंटरनेट में ही, वेबसाइट में जहाँ पे आपको फ्री में प्लान मिल जाएगा, आपको जिस साइज प्लॉट का साइज़ का चाहिए। और तीसरा क्या है, यूट्यूब। यूट्यूब में भी बहुत ऐसा यूट्यूबर है जो आपको प्लान बना करके देते हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए, वो आपको कुछ चार्ज लेंगे और प्लान बना करके आपको दे देंगे। ऐसे भी मेरा भी बहुत सारा प्लान मैं अपलोड किया हूँ, अगर आपको उसको देखना है तो मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हाउ ये हाउस प्लान नाम का फोल्डर है, उसमें बहुत सारा वीडियो डाला हुआ हूँ, और उसमें मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में डाउनलोड का भी लिंक दे दिया हूँ, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? तो मेन जो आदमी कन्फ्यूजन रहता है, जितने भी सारे लोग हैं, घर बनाने का प्लान कर लेते हैं लेकिन कन्फ्यूजन करते हैं यार कि पैसा तो बहुत लग जाएगा, अगर किसी इंजीनियर चाहे कॉन्ट्रैक्टर हायर करता हूँ। तो अगर आप किसी इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट को हायर करते हैं, इससे बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो आपको एक मनपसंद का प्लान मिल जाएगा विथ ऑल डिटेल। ऑल डिटेल की अगर बात करें तो सरिया, कॉलम सेंटर लाइन सब कुछ। और यही इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट आपको सजेस्ट करेगा किसी कॉन्ट्रैक्टर को, किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है? और यही चीज़ आपको सजेस्ट करेगा कि किस तरह का मटेरियल यूज़ करना है, कैसा सीमेंट यूज़ करना है, कैसा सरिया यूज़ करना है, ऑल मटेरियल आपको सजेस्ट करेगा, ठीक है? और अगर आगे हम बात करें तो फिर मटेरियल में हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, फिर अगर आपको कैसा एलिवेशन डिज़ाइन कैसा चाहिए, उसमें कौन सा पेंट आपको लगाना है, वो सारा चीज़ आपको सजेस्ट करेगा, पेंट हो गया, टाइल हो गया। तो मोटा मोटी अगर हम कहें कि अगर आप किसी इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट से संपर्क में रहते हैं, वो आपको ये सारा चीज़ सजेस्ट करके देगा, और फिर जैसे ही कोई आपके घर आएगा बोलेगा वाह क्या घर बनाया, तो ये चीज़ होता है। और घर तो लोग एक ही बार बनाता है, यूनिक सुंदर, जो देखने में भी दिल को एकदम मस्त लगे, तो ये बेनिफिट है। तो एक यूट्यूब हो गया, और वेबसाइट जितना भी है, और बहुत ऐसे लोकल आपको इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट मिल जाएंगे जो इस तरह का काम करते हैं। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है कि गूगल में जाके सर्च करना है कि इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट जो नक्शा बनाता है नियर मी, तो आपको लिस्ट आ जाएगा, वहाँ पे मोबाइल नंबर चाहे उसका सब दिया रहेगा, उससे कॉन्टेक्ट कीजिए, बना लीजिए, बस वो चार्ज लेगा। अगर जो भी चार्ज होगा, अगर आपका अगर छोटा एरिया है तो 5 से शुरू हो जाता है चार्ज, 5 रुपया पर स्क्वायर पर शुरू करके 20 रुपये तक जाएगा ये ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर मल्टी स्टोरेज की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक आम आदमी मल्टी स्टोरेज बनाएगा नहीं, ज़्यादा 3 से 4 फ्लोर तक बनाएगा, उस हिसाब से आप इस चीज़ का मतलब आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट से संपर्क करके। और ये हो गया लोकल, कोई आपका आर्किटेक्ट हो तो फिर, लेकिन तब भी अभी भी लोगों में कन्फ्यूजन है, और यहाँ तक कि आपको कोई ये कॉन्ट्रैक्टर चाहे मिस्त्री बोल गए, हम तो इतना 20 साल, 25 साल चाहे 40 साल से हम लोगों का घर ही बना रहे हैं,
और आपको भी लगेगा कि यार यार सही बंदा, आपसे बंदा सही बोल रहा है। और इंजीनियर लोग वो बना रहा है अलग है, लेकिन वो नया चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं ला सकता, ये क्लियर हो जाइए पहले। कोई कॉन्ट्रैक्टर चाहे इंजीनियर, वो मान लिया कि वो बहुत दिनों से किसी के घर बना रहा है, बहुत सालों से बना रहा है, वो बना रहा है, लेकिन वो नया उसमें चेंज नहीं ला सकता। लेकिन एक इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट, वो बैठे बैठे ऐसा डिजाइन लेकर के आपको देगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा, और कम जगह में आपको अच्छा अच्छा रूम निकाल कर देगा। आप जब भी कभी किसी कोई मिस्त्री चाहे कॉन्ट्रेक्टर अगर बनाया हुआ घर है उसमें जाके घुसिए, आपको लगे यार क्या बनाया है, किसी का बाथरूम बहुत बड़ा कर देगा, किचन कहीं छोटा कर देगा, बेडरूम छोटा कर देगा, किचन बड़ा कर देगा, इस तरह का जो है देखने को मिला है। हम आपको जरूर अगर मौका मिला तो उस तरह का जो जरूर दिखाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था आपका घर बनाने को लेकर के, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो प्रयास था आपको समझाने का आप लोग समझ गए होंगे, और यहाँ से आप जो है एक स्टेप ले सकते हैं। बस ज़्यादा खर्चा नहीं है आपका, टोटल खर्चा जो जितना आप बिल्डिंग बनाने में खर्चा करेंगे उसका मात्र 1 से 2% ही खर्चा होगा, ओनली। तो शुरुआत का खर्चा है, एक अच्छा प्लान बनवा लीजिए, और कभी भी जो है गूगल से इंटरनेट पर सर्च कर गूगल से डाउनलोड करके मत कीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कॉलम का बारे में देता ही नहीं है, कॉलम कहाँ होगा। कभी कभी आपका जो है 20 22 25 फीट भी हॉल बना देता है, आप उसके हिसाब से कॉलम दे दीजिएगा छोटा कॉलम, तो उससे क्या होगा कि आपका क्रैक आ जाएगा बिल्डिंग में। क्योंकि मेरा एक ये था कि एक वो क्या किया, गूगल से डाउनलोड करके अपना घर बनाने लगा, और 9 बाय 9 इंची का कॉलम में ही जो है 20 फीट का वो दोनों के बीच में डिस्टेंस दे दिया, और वो बस ही वो क्रैक हो गए। तो फिर बाद में बनने के बाद जो बिल्डिंग में क्रैक आ गया, बीम में भी क्रैक आ गया, तो ये सब चीज़ का प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना तो उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी जो है ना क्लिक कर दीजिएगा। तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो अपलोड करेगा तो सबसे पहले क्या होगा आपका नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।